स्मार्ट ऑब्जेक्ट। अच्छा एक अभी जो है ना, एक बहुत ही अहम टॉपिक हम देखने लगे हैं, बहुत ही अहम टॉपिक देखने लगे हैं, वो ये है कि आमतौर पे जब फोटोशॉप होता है ना, आमतौर पे फोटोशॉप हम कब इस्तेमाल करते हैं, सॉरी आमतौर पे फोटोशॉप में जब हम जो होते हैं ना, ये वेक्टर की ड्राइंग है, ये जो देखे ना हम इलुस्ट्रेटर की तरह यहाँ भी हैं कुछ टूल, ये देखें रेक्टेंगल है इस तरह की, फिर आगे ये जो पेन टूल है अडोबी इलुस्ट्रेटर की तरह इसमें भी हैं, ये हम परसों को पढ़ेंगे पेन टूल वगैरह फॉर्म, ये फ्री फॉर्म पेन टूल है सारे इस तरह के जो है ना, मतलब कि हमने वहाँ भी पढ़े थे, कर्वेचर टूल भी पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे अडोबी इलुस्ट्रेटर जितनी मुश्किल चीज़ें नहीं हैं, मतलब कि वो पाथ को ब्लेंड करना, मतलब कि उनको रिसाइज करना, दो दो पाथों को वेल्ड करना, उनको माइनस करना, तो इस तरह की जब भी कोई मुश्किल चीज़ बनानी पड़ जाए और फोटोशॉप के अंदर लगानी हो तो फिर क्या करते होते हैं, अभी हम पढ़ने लगे हैं, मतलब कि यूँ समझे कि एक फिल्टर के तौर पर या एक प्लगइन के तौर पे अडोबी इलस्ट्रेटर को कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे कोई भी ये देखें, यहाँ पे हम चलते हैं, अभी अडोबी इलस्ट्रेटर को मैं खोलने लगा हूँ, जब भी आपको कोई मुश्किल चीज़ बनानी पड़ जाए, मतलब के ड्राइंग के, मतलब कि ये तो ये जो था ना, ये बहुत ही अहम कंसेप्ट है, ये इतना ज़्यादा अहम है कि कमाल का जो है ना, मतलब के अब हम जो चीज़ पढ़ने लगे ना, ये इलस्ट्रेटर खोलने लगा हूँ और जहाँ से हम एक मुश्किल सी कोई चीज़ बनाते हैं तो फिर देखते हैं वो उस मुश्किल चीज को आप, मतलब कि क्या होता है। तो ये साथ ही हम जो है ना अडोबी फोटोशॉप के साथ इलुस्ट्रेटर भी खोलने लगे हैं, मतलब कि अब हम फोटोशॉप के अंदर इलुस्ट्रेटर को कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो ये जो है ना, ये बहुत ही अहम कंसेप्ट है, मतलब कि हम अक्सर पूछते रहते हैं ना कि ये कैसे आपस में जो होते हैं ये दोनों मिला मिला के पढ़ेंगे, तो ये फिर इस तरह पढ़ेंगे, मतलब कि फोटोशॉप की जो फाइल होती है वो इलुस्ट्रेटर के अंदर प्लेस हो सकती है, और इलुस्ट्रेटर की फाइल जो है वो अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे कैसे होती है। तो अभी ये ओपन होता है, तो ये देखें ये अडोबी इलुस्ट्रेटर जो है ये ओपन हो गया है, अब हम थोड़ी सी यहाँ पे ना एक मुश्किल चीज़ बनाते हैं जो कि आमतौर पे मुमकिन नहीं है फोटोशॉप के अंदर, तो चलें ये देखें जो जो है अभी जो है हमें क्या करते हैं कि यहाँ से एक कोई भी डॉक्यूमेंट ले लें, यहाँ से चलें क्रिएट न्यू करते हैं, या बल्कि ये वाला, यही वाला जो है ना कॉमन वाला, यहाँ से क्लिक कर देते हैं तो ये क्रिएट न्यू हो जाएगा, बल्कि मैंने नीचे बनाए भी हुए थे कुछ, चलें फिलहाल जो है ना इसको ओपन कर लेते हैं। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, तो ये हमारे पास जो है ना ये अडोबी इलुस्ट्रेटर खुल गया, जो हमने पहले बहुत तफसील से पढ़ा, ठीक है। तो देखें हमारे पास वहां पे इस तरह के टूल तो हैं, बस अगर ये देखें ये एक एलिप्स बना लिया इस तरह, ठीक है, इसको कलर कर लिया, यहाँ से देखें ये कलर जो है इसके, ये कलर कर लिया, ठीक है, यहाँ से फिर एक और एलिप्स बनाई इस तरह, उसको उसको भी कलर कर लिया, फिर यहाँ से एक और एलिप्स बनाई, यहाँ से इस तरह कर लिया, फिर यहाँ से एक और बनाई इस तरह के सादा सादा से हैं, लेकिन जिस तरह ये ब्लेंडिंग है, पाथ के वेल्ड करना है, मुश्किल मुश्किल चीज़ें बनानी, मतलब मैं सिंपल बताने लगा हूँ कि मुश्किल चीज़ें बनाना जो है ना, मुश्किल चीज़ें वहाँ पर नहीं बनती, लेकिन जहाँ पर ड्राइंग की सबसे बेस्ट चीज़ें जहाँ बनती हैं, लेकिन अभी हमने देखें ऐसे हो गया, ठीक है, अभी हम क्या करते हैं इन सबको सेलेक्ट करते हैं, इन ऊपर वाले को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, इनको सेलेक्ट, ऊपर वाले को सेलेक्ट करते हैं और विंडोज में जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ से पाथ फाइंडर, ये देखे ना इस तरह के ऑप्शन उसमें नहीं है फोटोशॉप में, तो देखें इनको वेल्ड कर लिया तो ये एक इमेज बन गई, ठीक है, अभी इन इन सबको इस तरह सेलेक्ट किया, ऊपर वाले को माइनस फ्रंट करते हैं तो ये देखिए इस तरह का एक कोई चीज़ बन गई इस तरह, ठीक है, अभी ये तो आसान सी चीज़ है ना, लेकिन हो सकता है कि इस तरह की मुश्किल चीज़ें हमें बढ़ाना पड़ जाए, फर्ज करें चले ये तो हो गया, इसको हम ये कर लेते हैं, ठीक है। अभी देखिए हमारे पास यहाँ से ये पेन टूल है, ये मैं सिंपल अभी आपको ना वैसे ही बता रहा हूँ कि ये देखिए फर्ज करें ऐसे है, ठीक है, अभी हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करते हैं इस तरह, ये मैं वैसे अभी है ना रफ सा बना रहा हूँ, सिंपल मतलब बताने का ये है कि ये देखिए यहाँ पे क्लिक कर दें और इसको कोई भी कलर कर दें इस तरह, ठीक है, हम कहते हैं ये चले इधर रख दिया, इसको आल्ट के साथ इस तरह किया, इसको मतलब कि उल्टा कर लें, यहाँ से इसको इधर रख लें इस तरह, कुछ भी इस तरह बना लें, ठीक है, कुछ भी इस तरह बना लें। तो अभी ये जो इलस्ट्रेटर में बना ली है ना एक चीज़, इलुस्ट्रेटर में जब हमने एक चीज़ बना ली है तो अभी इसको वहाँ पे फोटोशॉप में कैसे लेके जाना है, तो देखिए क्या करते हैं, हमने क्या करना, सिंपल ये बहुत ही सिंपल है कि इसको कॉपी करना होता है, मतलब ये सेलेक्ट यहाँ पे एक और भी चीज़ बना लेते हैं, यहाँ पे और चलें यहाँ पे एक और भी ये दाग इस तरह लगाया, अभी हमने सिर्फ ये वाली चीज़ें जो ना ये फोटोशॉप में लेके जानी है, तो देखिए यहाँ से ब्लैक एरो से इनको सेलेक्ट करें इस तरह, ये सेलेक्ट हो गई, ठीक है, इनको अभी करें कंट्रोल सी कॉपी करें, कंट्रोल सी से कॉपी करें, अभी खोल लें फोटोशॉप, ठीक है, फोटोशॉप खोल लिया,
अच्छा यहाँ से जो ये सॉरी यहाँ से ये पेन टूल मैंने गलती से था, एक्सपांडू कर लेते हैं एकदम। अभी ये मूव टूल लें यहाँ से इसको साइड पे। अच्छा हमने वहां से कॉपी किया था ना, अभी यहाँ पे सिंपल पेस्ट करें, कंट्रोल वी करें पेस्ट। तो अभी वो देखें वो पूछ रहा है कि इसको कैसे यहाँ पे पेस्ट करना है, मतलब कि जो आपने पेस्ट करना चाह रहे हैं उसको आप शेप लेयर के तौर पर पेस्ट करना चाह रहे हैं। शेप लेयर हम पढ़ेंगे परसों को, फिर समझ आ जाएगी, ठीक है। शेप लेयर हम पढ़ेंगे परसों को, फिर आपको समझ आ जाएगी। पाथ भी हम परसों को पढ़ेंगे, समझ आ जाएगी। पिक्सल का मतलब होता है कि उसको एक फोटो के तौर पर जहाँ पेस्ट कर दो, तो वो भी हमें पता ही होना चाहिए। लेकिन हमने अभी इसको करना है स्मार्ट ऑब्जेक्ट, स्मार्ट ऑब्जेक्ट के, चूंकि हमारा टॉपिक स्मार्ट ऑब्जेक्ट है तो हम इसको कहते हैं कि इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर पेस्ट करें। मतलब इल्यूस्ट्रेटर से हमने कॉपी किया, उसको हमने यहाँ पे पेस्ट किया स्मार्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर। इसको ओके करते हैं तो देखिए क्या आता है। तो देखें वो जो चीज़ जो थी ना वो यहाँ पे आके पेस्ट हो गई है, ठीक है। और अभी हमें जैसे भी इसको, ये देखिए जूं ही हम इसको ओके करेंगे तो ये देखिए कितनी क्लियर नजर आ रही है अभी, ठीक है। और यहाँ पे देखें ये एक फोटोशॉप का, यहाँ पे एक जो है ना फोटोशॉप के अंदर स्मार्ट ऑब्जेक्ट बन गया है। तो अभी देखें इल्यूस्ट्रेटर के अंदर ये तो इसको चाहे जाए जैसे मर्जी साइड पे कर देना, इस फाइल का भी उसके साथ कोई तलक नहीं रह गया। तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे ये फोटोशॉप क्या करता है कि पीडीएफ की शक्ल में जो है ना इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना देता है। मतलब कि इल्यूस्ट्रेटर के अंदर जो भी कोई चीज़ हम कॉपी करके यहाँ पे फोटोशॉप के अंदर पेस्ट करते हैं ना स्मार्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर, वो उसको जो है ना पीडीएफ की, एक पीडीएफ के तौर पर यहाँ पे इसके अंदर कॉपी कर देता है। अभी यूं ही समझें, देखें अभी ये जो नीचे वाला स्मार्ट ऑब्जेक्ट था इसको जब हम डबल क्लिक करते हैं तो देखें वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट इस तरह खुल गया ना, ये फोटोशॉप के अंदर ही खुला है। लेकिन अभी इसको कैंसिल करते हैं। अभी ये जो ऊपर वाला स्मार्ट ऑब्जेक्ट है ना, ये आप समझे कि पूरा अडोबी इल्यूस्ट्रेटर है। जब भी हम इसको क्लिक करेंगे ये सारा जो आर्ट वर्क है ये अडोबी इल्यूस्ट्रेटर के अंदर ओपन हो जाएगा। तो हम इसको जो भी चेंज करें, और देखें ये जो है ये खराब नहीं होगा, इसको चाहे जितना मर्जी कंट्रोल डी करें, देखें कंट्रोल डी से इसको बिल्कुल बड़ा कर लें यहाँ से, ठीक है, ओके कर लें। तो देखें हम इल्यूस्ट्रेटर की बड़ी हुई चीज़ें जो फोटोशॉप में, यहाँ पे टूल बहुत कम है, ये देखें ना यहाँ पे ये पेन टूल थोड़े से टूल हैं यहाँ पे, तो यहाँ यहाँ पे थोड़ी सी शेप्स हैं, लेकिन इल्यूस्ट्रेटर में तो हम बहुत ज़्यादा चीज़ें बना सकते हैं ना। तो वहाँ मुश्किल मुश्किल टूल भी हैं ड्राइंग करने के। तो जो भी चीज़ हम वहाँ बनाएंगे उसको हम यहाँ पे उसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे स्मार्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे। तो जब यहाँ पे आ जाएगी, अभी देखें आप इसको चेंज करना है तो सिंपल आपने इसको डबल क्लिक करना है, इसको डबल क्लिक करना है तो देखें क्या होता है, ये ऑटोमेटिकली अडोबी इल्यूस्ट्रेटर के अंदर खुल जाएगा। देखें अभी वो जो था ये फोटोशॉप से आया है अडोबी इल्यूस्ट्रेटर के अंदर, देखिए खुल गया। और साथ में जो पहले खुला हुआ था वो ये वाला है। अभी इसका इसका कोई तलक नहीं है क्योंकि हमने यहाँ से कॉपी करके वहाँ पे पक्का पक्का पेस्ट कर दिया। अभी वो ये देखें नेक्स्ट खुल गया है और इसका नाम क्या है, वेक्टर का स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जो देखें यहाँ पे अभी जो है इसकी आंखें बना दें, फर्ज करें यहाँ पे चले इसकी एक इस तरह ये आंख बना दी है, फिर इसकी दूसरी आंख बना दें इस तरह, ठीक है, जो मर्जी कर लें इस तरह। तो अभी ये जो है ना, अभी फोटोशॉप के अंदर जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट था उसको हमने डबल क्लिक किया तो ये इल्यूस्ट्रेटर के अंदर खुल गया, ठीक है। अभी देखें सेव नहीं है ना, तो इसको क्लोज करेंगे, वो कहेगा कि इसको सेव करना चाहते हैं, हम कहेंगे यस। देखिए हम इसको सेव कर दिया और ये क्लोज हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ से हमने इसको, ये नहीं इसको नहीं सेव किया, हमने जो वहाँ से खोला था वो किया। तो अभी देखें फोटोशॉप खोलते देखिए क्या होता है। तो देखें हमने इसको इसको डबल क्लिक करके चेंज किया था ना, तो ये देखें अभी यहाँ पे वो चेंज हो गया है। अभी ये तो ये सिंपल तरीका है अडोबी इल्यूस्ट्रेटर की चीज़ें बना के फोटोशॉप के अंदर इस्तेमाल करने का, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है, ये बहुत अहम तरीका है, ठीक है। क्या तरीका है कि सिंपल जो है अडोबी इल्यूस्ट्रेटर में कोई भी चीज़ जो है वो मतलब कि ओपन करें, सॉरी एक डॉक्यूमेंट बनाएं, वहाँ पे कुछ भी ड्राइंग करें, मतलब जो मुश्किल होती है ना, जहाँ पे इतनी मुश्किल नहीं हो सकती ड्राइंग, तो जितनी जितनी मुश्किल ड्राइंग होती हैं वो वहाँ पे करें और उसको फिर यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे पेस्ट कर दें, तो वो स्मार्ट उसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर पेस्ट कर दें। तो फिर क्या होगा कि इसको जो भी हम चेंज करेंगे ना, तो ये अडोबी इल्यूस्ट्रेटर खुल जाएगा। मतलब कि हमने एक फिल्टर बना दिया है फोटोशॉप के अंदर या प्लगइन बना दिया है पूरा इल्यूस्ट्रेटर, ठीक है। तो अभी देखें इसके ऊपर हम कुछ दिनों बाद ये इफेक्ट पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे इनको लाने का क्या फायदा है। यहाँ पे ना फिर इफेक्ट बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखें हम इसके ऊपर मतलब ड्रॉप शैडो लगाना है, ये मैं अभी तो आपको हल्का हल्का बताऊंगा। ये देखें इसके अंदर जो है ना, ये ड्रॉप शैडो है, इसको इस तरह मतलब लगाएं और इसको थोड़ा सा इसकी कैपेसिटी ज़्यादा करें, इसका स्प्रेड करें, साइज करें इस तरह इसका। तो देखें यहाँ पे इसके नीचे भी साया लग गया है, ठीक है। इसके अंदर इसको बाहर लगाना है, तो ये देखें ये हम थोड़ी सी तफसील से पढ़ेंगे, बेवल एंड बॉस लगाते हैं, तो ये देखें ये उभरा हुआ इस पर लग गया है। तो इसमें फ़ायदा क्या होता है, फोटोशॉप के अंदर इल्यूस्ट्रेटर को इस्तेमाल करने का फायदा ये होता है कि इसके अंदर इफेक्ट बहुत अच्छे लगते हैं। अब इसकी मिक्सिंग करनी हो तो देखें यहाँ पे नॉर्मल की बजाय इसको यहाँ से करें वो, ये देखें मुख्तलिफ किस्म की इसकी मिक्सिंग कर सकते हैं, देखें ये देखें ना किस तरह मिक्सिंग हो गई है। तो अडोबी इल्यूस्ट्रेटर के अंदर ऐसे इफेक्ट नहीं होते,
मतलब कि अभी दो चीज़ों का कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा कि एक कंसेप्ट ये है कि जो अडोबी इलुस्ट्रेटर में ड्राइंग, मुश्किल ड्राइंग होती है ना, मुश्किल तरीन ड्राइंग होती है, वो अडोबी इलुस्ट्रेटर में हो जाती है, फोटोशॉप में नहीं होती। लेकिन फोटोशॉप के अंदर इफेक्ट बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, वो इलुस्ट्रेटर के अंदर नहीं लगते। तो फिर क्या हल है कि ड्राइंग जो होती है वो अडोबी इलुस्ट्रेटर में कर लें, जब हमने बहुत ज़्यादा इफेक्ट लगाने होते हैं, तो ड्राइंग जो होती है वो अडोबी इलुस्ट्रेटर में कर लें, उसको यहाँ पे स्मार्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर कॉपी पेस्ट कर लें और फिर यहाँ पे आके जो मर्जी इफेक्ट लगाएं। और अभी भी जब इसको खोलेंगे, अभी भी जब इसको खोलेंगे तो वो ये उसी में खुलेगा, अडोबी इलुस्ट्रेटर के अंदर। तो ये फिर तरीका है। तो ये है सारा स्मार्ट ऑब्जेक्ट के बारे में हमारी जो थी ना, जितनी भी डिस्कशन थी। तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट का सबसे पहले हमने क्या देखा स्मार्ट ऑब्जेक्ट के बारे में, कि आमतौर पे जब भी कोई चीज़ यहाँ पे लेयर होती है ना, तो वो जब भी उसको छोटा बड़ा करते हैं तो उसके ओरिजिनल पिक्सल ज़ाया हो जाते हैं। मतलब कि जब भी हम किसी चीज़ों को छोटा और बड़ा करते हैं तो उसके ओरिजिनल पिक्सल जो होते हैं ना, वो री राइट हो जाते हैं, तो वो ओरिजिनल पिक्सल ज़ाया हो जाती है। मतलब कि हम एक चीज़ को बहुत छोटा कर देंगे और फिर उसको दोबारा वापस बड़ा करेंगे, तो वो कभी भी वापस नहीं आएगी तस्वीर। तो मतलब कि जब भी हमने ये देखिए कंट्रोल टी करके राइट क्लिक करते हैं, जब भी हमने ये वाली स्केल, रोटेट, स्क्यू, पर्सपेक्टिव, डिस्टॉर्ट, ये सारी की सारी खतरनाक होती हैं चीज़ें लगानी। मतलब किसी तस्वीर पे ये नहीं लगानी चाहिए, तो क्योंकि ये ख़राब कर देती हैं उनको। जब ख़राब कर देती हैं फिर क्या होता है कि उनका हल क्या था, उनको स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाने। तो हमने स्मार्ट ऑब्जेक्ट के देखे, फाइल में जाके यहाँ से एम्बेड करना देखा, फिर हमने वैसे ही एक साथ वाले डॉक्यूमेंट को कॉपी पेस्ट करके उसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना लिया। फिर उसके फ़ायदे देखे कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट के क्या होते हैं। फिर स्मार्ट ऑब्जेक्ट को डबल क्लिक करके, स्मार्ट ऑब्जेक्ट को डबल क्लिक करके हमने देखा, स्मार्ट ऑब्जेक्ट को डबल क्लिक करके देखा कि उसके स्मार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर भी चले जाते हैं, उसमें जो भी एडिटिंग कर देंगे फिर वापस आते हैं। तो फिर क्या होता है कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट को हम अंदर से खोल भी सकते हैं। फिर उसके बाद हमने इलस्ट्रेटर को देखा कि वहाँ से भी स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना के यहाँ पे ले जाते हैं। तो ये जो है ना, ये बहुत अहम कंसेप्ट है। ठीक हो गया। तो ये फिर था स्मार्ट ऑब्जेक्ट की अहमियत के बारे में। अभी हम जब भी मुस्तकबिल में कोई भी चीज़ पढ़ेंगे तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना के पढ़ेंगे, क्योंकि यही तरीका है। पहले वाला जो जितने भी हमने तरीके पढ़े थे वो खतरनाक तरीके हैं, उसमें ओरिजिनल चीज़ें जो होती हैं वो ज़ाया हो जाती हैं। ठीक हो गया। तो चलिए अभी हम इसको कर लेते हैं सेव। अच्छा, इसमें एक एक सॉरी रह गया, एक कंसेप्ट रह गया था। चलिए मैं इसको पहले ना इसको डिलीट करता हूँ। और जो है यहाँ से उसमें ये होता है कि ओरिजिनल तस्वीर होती है ना, स्मार्ट ऑब्जेक्ट को कॉपी करने के भी दो तरीके होते हैं। देखें, यहाँ से हम कुछ एक लिखाई लिखते हैं, कंट्रोल टी लिखते हैं यहाँ से। ये देखें, फर्ज करें हमने लिखा है कि फ्रीडम फॉर ईच लिखते हैं इस तरह। ठीक है, ये कुछ हमने लफ्ज लिख लिया इस तरह। अभी हमें ये लिख लिया, अभी ये टी है ना, ये ट्रांसफॉर्म बना हुआ है। अच्छा, इसको अभी देखेंगे, यहाँ पे हम अगर कंट्रोल टी प्रेस करते हैं इस लिखाई को और इसको बड़ा, स्मार्ट ऑब्जेक्ट का एक और फायदा बताने लगा हूँ। ये देखें, लिखाई इस तरह बड़ी कर ली, इसको ओके कर देते हैं। अभी इस लेयर को जो है ना, इस लेयर को हम फोल्ड करना चाह रहे हैं। देखिए, कंट्रोल टी करते हैं और यहाँ पे देखें, हम जब इसके ऊपर ये वाला लगाते हैं ना इफेक्ट, ये वाला, तो इसमें देखें वो फोल्डिंग वाला नहीं आ रहा, क्योंकि ये लिखाई है इसके ऊपर फोल्डिंग। अब जब हम इस लिखाई को फोल्ड करना चाह रहे हैं तो देखें, जब हमने इसको ये फोल्डिंग वाला ऑन किया तो इसमें देखें कोई ऑप्शन नहीं है उस तरह की फोल्डिंग वाली। देखें ना, इसके ऊपर हैंडल नहीं बने, तो लिखाई पे फोल्डिंग मुमकिन नहीं है। तो उसका फिर इलाज क्या है, देखें इसको मैं कैंसिल करने लगा हूँ। अभी इसको जो है ना, लिखाई को भी राइट क्लिक करें और इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लें। अभी देखें, ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट बन गया और लिखाई जो है उसके अंदर चली गई है। अभी इसके अंदर जब लिखाई होगी और इसके बाहर जो है ना स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, और स्मार्ट ऑब्जेक्ट को जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट के साथ हो सकता है वो सारा कुछ यहाँ पे हो सकता है। देखिए, ये लिखाई है ना, अब इसको कंट्रोल टी करें। ये देखें, लिखाई है तो इसके ऊपर अभी ये वाली लगाएं, ये जो थी ना। तो देखिए, अभी इसके ऊपर हम इसको फोल्ड भी कर सकते हैं लिखाई को। तो देखें, लिखाई को ये देखें, अभी जो है ना ये फोल्ड भी हो रही है। जैसे ये देखें ना, जैसे भी इसको, इसकी जैसे मर्जी फोल्डिंग कर लें इस तरह। ठीक है, अब इसको ओके करें तो ये देखें, अभी जो भी लिखाई लिखी है वो फोल्ड भी हो रही है। तो ये फायदा है स्मार्ट ऑब्जेक्ट का। एक दूसरा, एक और चीज़ समझानी थी कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट को ना कॉपी करने के दो तरीके हैं। एक देखें, ये जो तरीका ना, ये अभी ये सिलेक्ट है ना ये वाला, तो अभी देखें इसको यहाँ पे इसके फ्लाई आउट मेन्यू में जाएं। ये देखें, ये जो लेयर जो ना, इसके फ्लाई आउट मेन्यू में जाएं। अभी इसके दो तरीके हैं, एक तो लिखा हुआ है डुप्लीकेट लेयर, तो इसको डुप्लीकेट करते हैं। तो ये कहता कोई इसका नाम रखना जो भी, चले इसको करते हैं ओके। तो अभी जो है ना, ये जो है ये डुप्लीकेट करके स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना है। ठीक है, डुप्लीकेट करके, चले मैं इसको क्लिक करके इसको नाम रख देता हूँ डुप्लीकेट। हमने मतलब के इस फ्रीडम फॉर ईच को सेलेक्ट किया था और इसको यहाँ से जाके ना डुप्लीकेट किया था यहाँ से। लेकिन अभी हम एक और तरीका पढ़ते हैं इसको, कंट्रोल जे वाला जो हमने पढ़ा था ना जंप करने का। तो इसको, ये फ्रीडम फॉर ईच है, इसको कंट्रोल जे प्रेस करते हैं
तो ये देखें ऊपर एक और कॉपी आ रही है और इसको डबल क्लिक करके हम नाम रख देते हैं जंप। ये जो है ये कॉपी जो है ना ये हमने जंप करके की है, ये वाली जंप वाली की है, मतलब कि फ्रीडम फॉर ईच की स्मार्ट ऑब्जेक्ट जो है ना फ्रीडम फॉर ईच जो है स्मार्ट ऑब्जेक्ट जो है उसको हमने कंट्रोल जे करके ये उसकी कॉपी की और डुप्लीकेट करके ये कॉपी की। जब अभी हम फ्रीडम फॉर ईच जो है ना फ्रीडम फॉर ईच इसको दोबारा कॉपी करते हैं, यहाँ पे जाते हैं और जहाँ पे एक और चीज़ लिखी हुई, ये तो डुप्लीकेट लिखा हुआ है ना, और कंट्रोल जे वाला जो है ना वो एक यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे एक और लिखा हुआ है कि न्यू फ्रॉम किधर गया। अच्छा चले इसके ऊपर यहाँ पे ना ये जो सिलेक्ट करके ना यहाँ पे राइट क्लिक करके देखते हैं, यहाँ पे ऊपर राइट क्लिक करके ये देखिए ये लिखा हुआ है न्यू स्मार्ट ऑब्जेक्ट वाया कॉपी, ये कंट्रोल जे के बराबर है। देखें यहाँ पे ये जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट है ना ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट जो है ओरिजिनल हमने बनाया था लिखाई को, लिखाई से उसके ऊपर हमने ये सिलेक्शन ली, ये सिलेक्शन ली और इसको यहाँ पे अभी ये सिलेक्शन यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को राइट क्लिक किया। अभी वो कह रहा है कि डुप्लीकेट करके लेयर को करें, तो ये हमने डुप्लीकेट करके ये वाली बनाई थी। और दूसरा ये है कि न्यू स्मार्ट ऑब्जेक्ट वाया कॉपी, ये वाला जो है ना न्यू स्मार्ट ऑब्जेक्ट वाया कॉपी, इसको जब क्लिक करते हैं तो ये भी एक वैसा ही बन गया, ये ऐसे ही जैसे कंट्रोल जे से किया। तो हम यहाँ पे इसका नाम रख देते हैं जंप टू। अभी इसका फायदा क्या है, अभी ये जो तीनों जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट है ना जंप के, मतलब ये जंप वाला जो है ना ये दो और ये रीजनल, ये हमने बनाया है इस तरीके से। देखें यहाँ पे राइट क्लिक करें, हमने बनाया है कि नया स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाए कॉपी के जरिए, और ये वाला जो डुप्लीकेट वाला है ये हमने किया था डुप्लीकेट लेयर के जरिए। तो इनमें फर्क क्या है, ये इन तीनों की बैकग्राउंड जो नहीं है वो एक ही है, इन तीनों का जो है ना इन तीनों को ये एक ही स्मार्ट ऑब्जेक्ट के साथ लिंक है और ये अलहदा है, बस ये फर्क है। देखें अब ये इन तीनों में से किसी एक पे क्लिक करें, देखें मैं इस पे डबल क्लिक करता हूँ तो देखें ये लिखाई खुल गई है इसके अंदर, ओरिजिनल लिखाई जो थी। अभी हम इस लिखाई को कंट्रोल टी से फ्रीडम फॉर ईच था ना, तो इसको मैं फ्रीडम फॉर यहाँ से कैंसिल करके इसको आर लिख देता हूँ, फ्रीडम फॉर आर लिख दिया, ठीक है ये। और इसको कंट्रोल ए करके इसका कलर भी चेंज कर देते हैं, देखें यहाँ से इसका कलर भी जो है वो कोई और चेंज कर देते हैं यहाँ से, तो इसको ओके कर देते हैं, ठीक है। और अभी इसको क्लोज करते हैं और सेव करते हैं। अच्छा ये हो गया, अभी इसको ओके कर देते हैं पहले, और यहाँ से भी इसको क्लोज करते हैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट को, इसको यस करते हैं, देखिए क्या होता है, वापस चलते हैं देखिए क्या होता है। तो देखें अच्छा जो डुप्लीकेट वो मेरी गलती होगी, ये जो था ना जंप करके हमने बनाया था ना कंट्रोल जे से जो बनाया था हमने जंप करके, और जो हमने डुप्लीकेट करके बनाया था वो सारे एक तरीके से बनते हैं, मतलब कि ये देखें फ्रीडम फॉर ईच और ये तीनों जो थे ना ये वैसे थे, और ये हमने बनाया था यहाँ पे राइट क्लिक करके देखते हैं, यहाँ पे अगर राइट क्लिक करेंगे ना यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं सॉरी यहाँ इसको सिलेक्ट करके ना ये सिलेक्शन को अब यहाँ पे राइट क्लिक करें, तो जो हमने स्मार्ट ऑब्जेक्ट के जरिए बनाते हैं ना वो एक अलहदा बन जाता है, मतलब कि न्यू स्मार्ट ऑब्जेक्ट के जरिए जो बनाया था वो ये वाला बनाया था, ये देखें ये चेंज नहीं हुआ, ये अभी अलहदा में है, लेकिन जो हमने कंट्रोल जे के जरिए बनाया था कंट्रोल जे के जरिए जो हमने बनाया था ना मतलब कि जंप वाला ये वाला कंट्रोल जे के जरिए बनाया था और ये डुप्लीकेट के जरिए बनाया था, तो ये दोनों जो है ना ये इसी के साथ जो है ना कनेक्ट होंगे। इन तीनों में से किसी को भी एक को चेंज करेंगे वो तीनों चेंज हो जाएंगे, और ये देखें इसमें फ्रीडम फॉर ईच लिखा हुआ है। अभी देखें नीचे चलते हैं, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, एक दो तीन, देखें यहाँ पे ये जो थे ना ये पहले वाला दूसरे वाला और तीसरे वाला ये सब एक ही ऑब्जेक्ट के साथ लिंक है, तो इसमें देखिए आर लिखा हुआ, इसमें भी आर लिखा हुआ, इसमें भी आर लिखा हुआ, लेकिन जो जो हमने ये बनाया था ना और न्यू स्मार्ट ऑब्जेक्ट वाया कॉपी के जरिए तो वो अलग बन गया, बाकी तीनों जो है ना इन सब का सोर्स एक ही है। तो ये कभी कभी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है जब आप एक ही तस्वीर को जो है ना मतलब कि एक ही तस्वीर को मुख्तलिफ यहाँ पे पेस्ट करना चाह रहे हैं लेकिन उनका सोर्स एक ही रखना चाह रहे हैं, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो अब हमारे जो है ना स्मार्ट ऑब्जेक्ट के बारे में काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो चीज़ें जो हमने कर ली हैं, और अभी हम मजीद पढ़ते जाएंगे, अभी हम जो भी स्मार्ट ऑब्जेक्ट के साथ मजीद हो सकता है वो जब भी नए सिरे से पढ़ेंगे तो वो वैसे ही चलेगा साथ साथ, ठीक हो गया। तो अभी हम इस वीडियो को कर लेते हैं सेव।